जय माता दी जी सारयां नूं। ते अज आप जा रहे हैं जी आशा देवी टेंपल और बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल तैयार। और हमने गेट वगैरह पूरा लगा दिया है और स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पहला ब्लॉक फॉर एडवेंचरस इंडिया। तो भाइयों जो ये आप लोग रास्ता देख रहे हैं ये जाता है सीधा माँ चिंतपूर्णी की ओर, और रास्ते में माँ आशा देवी का टेंपल आता है और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जय माता दी सबको। और यहाँ पर होशियारपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर है हिमाचल रोड पे, जो कि जाते हैं माँ आशा देवी टेंपल और चिंतपूर्णी माता, सब लोग जाते हैं वैसे आपको पता ही होगा। और माता जी के जो रास्ते हैं तीर्थ का, और उसमें दो रास्ते पड़ते हैं, तो हम आदमबाग से चौहाल की ओर जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और रास्ते की बात मैं कर रहा था, दो रास्ते हैं, एक जो पैदल है और एक बाइक पे है। हम लोग बाइक पे हैं तो वैसे हम लोग आपको दिखा देंगे पैदल रास्ता, और वो वैसे एडवेंचरस है थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास मतलब टाइम की शॉर्टेज होने के कारण हम लोग वो रास्ता नहीं अपना सकते, लेकिन वो रास्ता ज़्यादा शायद मज़ेदार होगा। और आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगे हुए हैं झंडे वगैरह, और काफ़ी मज़ा आ रहा है जाने में। और तो गाइस हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे, और यहाँ पर जो होशियारपुर का प्लेस है ना बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पर घूमने के लिए, फिरने के लिए, शूटिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेस हैं यहाँ पर, और काफ़ी काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं। और अगले ब्लॉक में हम लोग कवर करेंगे सब कुछ धीरे धीरे, और है हमारा पहला ब्लॉक है। और आगे माता जी का एक मंदिर आएगा, वो आ ही चुका है, बस सामने ही है वो, तो वहाँ पर जाके हम लोग दिखाएंगे, ये भी मंदिर देखने लायक है। और यहाँ पर बहुत शूटिंग हमने की हम कर चुके हैं यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग, और अभी हम लोग एक मंदिर पे आ चुके हैं जो कि मैंने पिछले बोला था, माता जी का मंदिर आ चुका है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए इस मंदिर के, और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि किसी ने सुखन सुखी है होते हैं ना, कि कुछ मांगते हैं भगवान से पूरा करते हैं, तो वो अपनी मनोकामना जब उनकी पूर्ण हो जाती है तो वो निर्माण कराते हैं कुछ जो उन्होंने मांगा होता है उसके बदले में। तो यहाँ पर किसी ने अपने पुत्र की मनोकामना मांगी थी, और उसके बदले में खुश होकर यहाँ पर माता रानी का मंदिर बना है, और तीन पिंडियाँ जो होती हैं माता जी की वैष्णो माता में भी हमने देखी हुई हैं, तो वो यहाँ पर स्थित हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है हाल में, जो कि मेन पावर पॉइंट है यहाँ का, और यहाँ से हिमाचल की जो है चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये आप लोग जो रोड देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब माता जी के मेले लगते हैं ना तो भरा होता है ये, मतलब लोग पैदल यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ जैसे तीर्थस्थान होते हैं ना वो यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी आनंदित जो है दृश्य देखने को मिलता है। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलेगा। कल्चर को समाज रखा हुआ है हमारे सभी। अगर आप इनके एरिए में जाते इनके साथ पंगा लेंगे ना, तो फिर पंगा इज नॉट चंगा। डैम यहाँ पर बहुत ही सुंदर आता है, यहाँ बहुत सुंदर है। तो जय माता दी सबको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बसें जो हैं वो चिंतपूर्णी रोड की ओर जाती हैं, चिंतपूर्णी माता की ओर जाती हैं, और रास्ते में आशा देवी पड़ता है, लोकेशन हम लोग आपको दिखा देंगे। और बस स्टैंड से बस पकड़कर और चिंतपूर्णी माता की बस पकड़कर और हो सकता है कि आशा देवी टेम्पल। तो यहाँ पर कांगड़ा ज्वाला जी और चिंतपूर्णी ये साइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आप पाएंगे तो। और ये रहने के लिए, शूट करने के लिए और फोटोज खींचने के लिए भी प्लेस बहुत अच्छा है, होटल टाइप है, काफ़ी अच्छा है। रास्ते में बहुत सारे लोकेशन हैं फोटोज़ खींचने के लिए,
और हम तो नहीं रुके क्योंकि हमने टेंपल जाना है माता जी के दर्शन करने। और ये दोस्तों ये रोड है और देख लीजिए कहाँ से बच होगा एक, और वो है जंगल के बीचों बीच है माता का मंदिर, और बहुत सारे लोग जाते हैं माता चिंतपूर्णी की ओर। कहते हैं कि यहाँ पर माता जी का शेर भी यहाँ पर आता है और जंगलझाड़ का रास्ता है। हम बाइक पे हैं, हमारे पास कार भी नहीं है, लेकिन हम भक्त हैं तो हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग सही है। भैया बोल रहे हैं हमें, हमारे लिए प्रे करो कि हमें जो है शेर के दर्शन हों, लेकिन दूर से हों, ऐसा छवि में हों, सीरियसली आगे ना आ जाए क्योंकि हम लोग डर के मारे ही मर जाएंगे। तो देखिए रोड कितना खूबसूरत है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, जंगल है नीचे पूरा। हिमाचल के रोड थोड़े खतरनाक होते हैं तो सेफली ड्राइविंग करें। तो जाते वक्त हमें जो है मोर यानी कि पीकॉक उसके दर्शन हुए हैं, ये देखिए, और काफ़ी सुंदर लगते हैं हम जब अपने मोर पंख खिलारते हैं। वो छिप गया यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के प्रिय मोर और कार्ति जी के वाहन मोर के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रीन स्क्रीन मिल गया है, ग्रीन साइड में मिल चुका है, और देखिए ये इसका कलर अलग है और बाकी हरे हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है देखने के लिए। तो गाइस ऐसे ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि जंगल का एरिया है और जो है जीव जंतु बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी मोर, और ऊपर हमने जो है कलर चेंजिंग देखा वृक्षों का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और आप लोग ज़रूर आइए एक बार अपने मन को शांति करने के लिए, शांत माहौल होता है जंगल में और बहुत ही सुंदर सुंदर वादियाँ होती हैं, सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं देखने को, और एक बार ज़रूर आना चाहिए बस। दोस्तों हमारी जो बाइक है ना वो पहले गियर में ही जा रही है, फर्स्ट गियर में, ठीक है, दूसरे मतलब इतनी चढ़ाई है सीधी बहुत, लेकिन आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। तो हम जा रहे थे और जाते जाते जो है हमारे बाबा बालकनाथ जी का भी मंदिर आ गया है और दर्शन हो चुके हैं इसके भी, और काफ़ी अच्छी बात है। और आपको भी अगर आना हो तो इस रास्ते ज़रूर आइए और इस मंदिर के दर्शन। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में, आशा देवी टेम्पल, क्योंकि हम लोग पहुँच गए हैं और आप लोग देख सकते हैं टेम्पल के दर्शन तो कर सकते हैं, और अभी हम लोग जाके अंदर भी आपको दिखाएंगे माता जी का टेम्पल, और माता रानी कृपा करे सब पे, सबको समृद्धि और खुशहाली बख्शे। और बस पहुँचने वाले पहुँच के दर्शन कराते हैं आपको यहाँ पर, वैसे बंदा शांति से जो है दर्शन कर सकता है क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है काम के चक्कर में ज़्यादा स्ट्रेस होता है दिमाग के, तो दिमाग से स्ट्रेस निकालने के लिए शांति माहौल बहुत ज़रूरी है, एक ना एक बार घूमना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जंगल के बीचों बीच जो है टेंपल है, और जिनको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, इंटरेस्टिंग और माता के भगत जो हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए ये रास्ते में भी थे, और हर जगह हिमाचल में होते हैं, बजरंग बली का भी इशारा होता है हिमाचल में लगता है, तो आगे जाकर हम लोग माता रखें। बोलिए जय माता दी। Thank you.
सीढ़ियों वाला रास्ता है, यहाँ से नीचे जाता है फिर नीचे से सीधे ऊपर आता है, ऊपर वो सीधे ऊपर जाके ना चोटी पे यहाँ पर हिमाचल का जो मेन रोड है वहाँ पर जाके ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ से भी काफ़ी रोमांचक, ये जो सारा रास्ता जंगली रास्ता है यहाँ पे बहुत है कि शेर मिलता है, हमें तो नहीं मिला लेकिन हमें उधर के रास्ते से नहीं मिला, और इधर का रास्ते से अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बाइक है, तो नहीं तो हम लोग ज़रूर जाते। और टेंपल काफ़ी खूबसूरत है और शांत शांत जो है वाइब है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब है। ये पूरे जंगल के बीच में यही सिर्फ एक मंदिर है, ठीक है, और आपको यहाँ पे मतलब अगर आप बोर हो गए हो शहर से भीड़ भाड़ इलाके से, आपको यहाँ पे इतना मज़ा आएगा ना, आपको इतनी शांति मिलेगी ना बहुत ज़्यादा। अगर आप मतलब कभी संडे को आना चाहते हो यहाँ पे आके बैठो और ये देखो कितनी जगह है जंगल के बीचों बीच, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही भावना के साथ आओ। वहाँ के मंदिर है, यहाँ से एक तो यहाँ से खाली भी हो जाता है आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी, और यहाँ पे आपको वैसे भी और आइए और माता जी का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाइए। और वैसे तो मतलब सर्वव्यापी है, सब तरफ होते हैं, लेकिन कोई अगर श्रम करके आता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है जो श्रद्धा से आते हैं। और तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इनके रास्ते काफ़ी लोहा भी बैठा है वो कदम, ये देखिए ये ऐसे होते हैं तो उनसे बच के रहना, देखियो वो डरा नहीं मेरे से, वो पड़ गया। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है मेला होता है यहाँ पर आशा देवी मंदिर, और 25वां मेला जो है यहाँ पर हो चुका है 21 अगस्त को है, और आज कितनी होता है दिन सोमवार, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं इस बात को भी और जागरण का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, संगत में शामिल हो सकते हैं। तो चलते हैं, जय माता दी सबको। और काफ़ी जो है अच्छा लगा, पहली बार मैं भी पहली बार ही हूँ उस टेम्पल में, मेरे भाई आ चुके हैं पहले, तो मैं पहली बार सब जाने वाले हैं और आगे, तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, और पहला ब्लॉक है तो काफ़ी बस आप लोग इन्फॉर्मेशन लीजिए, लाइक सब्सक्राइब आइए ज़रूर एक बार, हर मंदिर में घूमना चाहिए, माँ की श्रद्धा होता है, माँ माता रानी की जो श्रद्धा पूरी संभावना से रखते हैं उनके लिए मंदिर ज़रूर आना अनिवार्य है। तो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं लेकिन अभी जाने नहीं देते, नहीं तो हम लोग ज़रूर जाते, मेरा तो बहुत मन कर रहा था ऊपर जाने को, तो मना करते हैं तो इसलिए नहीं जा सकते, शायद जब मतलब दिवस होता है माता का तब तो ज़रूर जाने देते होंगे। तो हम तो खाली खाली प्लेस में आए हैं, बहुत शांति जो आनंद में, तो जितने मेरे पुराने चैनल वाले हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि अगले ब्लॉग जो है इसी में आएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एडवेंचरस इंडिया। हमने आप लोगों को बताया था कि शांत बहुत है ज़्यादा जगह, और मन कर रहा है रुकने को क्योंकि नेचर की जो है पॉजिटिव एनर्जी हम अपने अंदर शेयर कर सकें, और यहाँ पर से नीचे शायद दिखे आगे जाके डायरेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं। जंगल के बीच में और वो है हिमाचल का रोड जो अपने बताया कि सीरियस रास्ता है उधर की ओर, और उधर जाके हिमाचल का रोड यहाँ पे है, और ये बीच में है जंगल के एक रास्ता में मिला था छोटा सा, लगा कि जैसे कुछ लोकेशन वगैरह देखने को मिलेगी क्योंकि हम लोग काम यही करते हैं।
यहाँ पर बसें जाती हैं, आप लोग वहाँ पर उतर सकते हैं, उधर से पैदल कर सकते हैं, इतनी दूर नहीं यात्रा। जय माता दी। तो सभी भक्तजनों को जय माता दी और ब्लॉग की समाप्ति हम यहीं करते हैं।